दोस्तों और प्यारे मित्रों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सपने दो प्रकार के होते हैं, शुभ सपने और अशुभ सपने। शुभ सपने शुभ प्रवृत्ति के होते हैं और जिनका परिणाम आपको शुभ ही मिलता है। आज हम ऐसे 10 शुभ सपनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो यदि आप में से कोई भी आपको कोई भी इनमें से एक सपना आ जाए तो ऐसे में आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य उदय होगा, धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे और आपका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से शुभ स्वप्न हैं जो बहुत ही शुभ प्रवृत्ति के माने जाते हैं। पहला सपना ये होता है, यदि आप इमारत बनते हुए देखते हैं, घर बनते हुए देखते हैं, खुद का या किसी और का, तो ऐसे में आपकी सफलता के मार्ग खुलेंगे और धन प्राप्ति के बहुत प्रबल योग बनेंगे। इस सपने का यह मतलब होता है। तो सपने में घर बनते हुए देखना बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है, आपके कैरियर की दृष्टि से और आपकी आर्थिक स्थिति की दृष्टि से। तो सपने में सांड देखना बहुत ही शुभ स्वप्न होता है। सपने में सांड यदि आपको दिखाई देता है तो इसका यह अर्थ होता है आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी, अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। इसके अलावा धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं, यह भी बहुत शुभ प्रवृत्ति का स्वप्न होता है। सपने में गुलाब या कमल का फूल देखते हैं या अन्य कोई फूलों का बगीचा देखते हैं तो ऐसा सपना आना धन प्राप्ति की दृष्टि से और आपके आगे अच्छे भाग्य उदय होने की दृष्टि से बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। तो सपने में फूल देखना बहुत ही शुभ होता है। सपने में दूध का झरना बहता हुआ देखना, यह भी बहुत शुभ स्वप्न होता है। धन की दृष्टि से यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आपके अटके हुए काम बनते हैं और भाग्य जो है आपका, यदि बैड लक चल रहा है तो वो गुड लक में बदलने वाला है, इसका यह संकेत होता है या अर्थ होता है। सपने में यदि आप पैसा देख रहे हैं, आप किसी से मांग कर खा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, यानी कि अपने आप को गरीब देखना आने वाले समय में आपको कई मार्गों से धन की प्राप्ति करवाता है। ऐसा सपना आना अच्छा होता है, शुभ प्रवृत्ति का होता है, इसलिए खुद को गरीब या भिखारी के रूप में देखना बहुत अच्छा आपको फल देगा। तो ऐसे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सपने में आप अपने आप को आत्महत्या या सुसाइड करते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपकी आयु में बढ़ोतरी होने वाली है, यानी आप लंबी आयु तक जिएंगे। यदि किसी और को सुसाइड करते देखते हैं तो उस उक्त व्यक्ति की आयु में बढ़ोतरी होगी, ऐसा ये स्वप्न दर्शाता है। सपने में सांप देखना बहुत ही शुभ होता है, आने वाले समय में धन प्राप्ति के योग बनाता है ऐसा सपना। खासकर सपने में हरा, सफ़ेद या गोल्डन सांप देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सपने में प्रेगनेंसी के अंदर यदि ऐसा सपने में कोई महिला देखती है तो आने वाले समय में पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, तो प्रेगनेंसी में सांप का सपना देखना भी अच्छा माना जाता है, शुभ प्रवृत्ति का माना जाता है। सपने में एक छिपकली दिखाई देना या अनेक छिपकलियां दिखाई देना, छिपकली का झुंड दिखाई देना आने वाले समय में आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग होने की सूचना देता है। तो ऐसे सपने को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, सपने में यदि आप छिपकली को देखते हैं। सपने में यदि आपको तोते के दर्शन होते हैं, तोता देखते हैं आप पंछी को, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे और आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, धन की आवक होगी आपकी जीवन में, आपकी जिंदगी में। सपने में यदि शमशान घाट या कब्रिस्तान देखते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होने से आपके आने वाले समय में मान सम्मान में बढ़ोतरी होने के चांसेस बनेंगे, संभावनाएं बढ़ेंगी और ऐसे में आपको समाज में आपका नाम होगा, आपकी अब तारीफ करेंगे, आपकी बातें मानेंगे। चाहे घर परिवार में यदि आपकी कम चलती है तो आने वाले समय में ऐसी आपको परेशानी से निजात मिलेगी। अगर सपने में यदि आपको तारे दिखें या टूटता हुआ तारा दिखे तो यह इच्छा पूर्ति का संकेत या संदेश देता है, तो ऐसा देखना आने वाले समय में कोई आपकी अधूरी इच्छा भी है तो उसकी पूरे होने का आपको संकेत मिल रहा है। तो ऐसे में आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा है वह पूरी होगी। अंत में एक बात कहेंगे कि ऐसे शुभ स्वप्न देखने पर आप अपने इष्ट को ना भूलें,
इष्ट की रोजाना पूजा अर्चना करें, ऐसे में आपको सपनों के अच्छे परिणाम जल्द मिलेंगे और आपका मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।